हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए उम्मीद करते हैं इस समय जो माहौल चल रहा है सर्दी जुकाम का, आप उसमें बहुत बेहतरीन होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, ठीक है। और जो अभी तक हम लोग तीन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तीन कर चुके हैं, ये चौथा प्रीवियस ईयर का ही है और ये 6 अक्टूबर का पेपर है, ठीक है। कब का पेपर है? 6 अक्टूबर 2022 का पेपर है, ठीक है। नहीं, 21 का है शायद, हाँ 21 का है, 6 अक्टूबर 2021 का पेपर है। और देखिए दोस्तों, जो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और साथ में जो भी नए लोग जुड़ते हो दोस्तों, सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। चलिए, और हाँ, आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए है, जो जो मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी पीडीएफ पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, सबका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारे पीडीएफ के लिंक आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे सारे, डायरेक्ट पीडीएफ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है? बेफल लिखा है। बेफल का मतलब होता है चकरा देना, उलझन में डाल देना, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है परप्लेक्स। परप्लेक्स का भी मतलब होता है बिल्कुल घुमा देना, क्या होता है? बिल्कुल घुमा देना, चकरा देना यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं कंफ्यूज करना, ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज करना, और इसका परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूज करना ही होता है, ठीक है। और ये दे रखा है सूत बी नंबर पे, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक हो, तो उसके किसी को परेशानी को दूर करके आराम पहुंचाना होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि एक सीधे शब्द में कह सकते हैं कि शांत करना होता है, ठीक है। क्या होता है? शांत करना। फिर थ्री नंबर पे क्या है लिखा है? क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब क्या होता है? क्लेरिफाई, क्लेरिफाई का मतलब होता है स्पष्टीकरण करना, ठीक है। और कंफर्ट, कंफर्ट मतलब क्या होता है? आराम। क्या होता है कंफर्ट? मतलब आराम। चलिए फिर सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इज द पर्सन फॉर द चॉइस, ठीक है। क्या लिखा है? इज द पर्सन इज द रीजन फॉर द चॉइस। देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क है और सारे दे रखे हैं, व्हेन इज द रीजन नहीं हो सकता। देखो यहां पे क्या और क्यों कुछ हद तक सही हो सकते हैं, कि क्या रीजन हो सकता है चॉइस का या क्यों रीजन, तो क्यों तो बन नहीं रहा है, तो क्या होगा कि क्या रीजन हो सकता है चॉइस, तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रीजन फॉर द क्योस हो, ये क्योस है, क्योस ना कि चाओस नहीं है, क्योस है। क्योस का मतलब होता है कि अव्यवस्थता, अस्त व्यस्तता, ठीक है, गड़बड़ी, ये होता है। तो यहाँ पे कि क्या रीजन था ये गड़बड़ी का, रीजन क्या था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर द क्योस। चलिए तीन नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए, द चिल्ड्रेन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना भाई, मैं सोचूं कि इसमें गलती क्या आ जाएगा। अच्छा, पहला है व्हेन दे सॉ, दूसरा है द चिल्ड्रेन जम्प्ड इन द पार्क एट जॉय। अच्छा भाई, तो देखिए यहां पे एट जॉय का क्या मतलब है? द चिल्ड्रेन जम्प्ड विद जॉय, क्या होना चाहिए? विद जॉय। When they saw the slides in the park, अच्छा जब उन्होंने सरगना देखा तो वो बहुत खुशी से झूम उठे, तो यहाँ पे at joy नहीं, with joy होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये इसकी जगह पे with joy होगा, ठीक, at की जगह पे with आ जाएगा। चलिए चार नंबर देखिए, select the most appropriate meaning in the given idiom। चलिए idiom का meaning क्या दे रखा है? चलिए close to one side, किसी के बहुत समीप होना, किसी के बहुत नजदीक होना, ठीक है, यानी कि किसी का फेवरेट होना, ठीक है। क्या होता है? टू ऑफ डीप इंटरेस्ट एंड कंसर्न टू वन, कि किसी का बहुत ज्यादा कंसर्न, किसी का बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट होना, तो ये होता है इसका मतलब। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके नजदीक पहुंच जाएगा, इसके जो मीनिंग मतलब अप्रोप्रिएट मीनिंग बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया कि इसका मीनिंग क्या बन जाता है, कि किसी का डीप इंटरेस्ट होना या कंसर्न टू वन, किसी के लिए कंसर्न होना, तो डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ, ठीक, यहां पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। फिर देखिए यहां पे लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
चलिए सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, देखो क्या हो जाएगा। सेमेट्री लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सल्ट्री SULTRY, इसको देखेंगे। पॉलिट्री ये भी देखेंगे, जेनेट्री। अच्छा भाई चलिए देखो यहाँ पे दे रखा है जो, देखो पॉलिट्री गलत है। कैसे? PoU क्या होता है? PoULTRY, तो PoULTRY ये होता है पॉलिट्री, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, फिर छठे वाले में भी इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। क्या लिखा है? फ्लोरिस्ट लिखा हुआ, केमिस्ट लिखा हुआ, साइकिलिस्ट लिखा हुआ है, टूरिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, तो देखो केमिस्ट की स्पेलिंग अगर आपको पता है, केमिस्ट्री की CHEMISTERY होता है, तो केमिस्ट की तो बिल्कुल सही लिखा। साइकिल की CYCEL होता है, तो इस्ट जुड़ जाएगा IST, टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो फ्लोरिस्ट लिखा हुआ है ये गलत है। क्या होता है, इसकी स्पेलिंग होती क्या है? FLORIST फ्लोरिस्ट होता है, ठीक है। चलिए फिर सात नंबर देखिए, सात नंबर में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड अ प्लेस वेयर कीपिंग वर्ड। अच्छा, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको एवेरी कहते हैं, AVIARY, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आठ नंबर में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे, चलिए देखना है। चलिए आठ नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स। अच्छा I paid the plumber for repair the pipe. देखिए जब उसने प्लम्बर को पे किया रिपेयरिंग करने के लिए, पाइप की रिपेयरिंग करने के लिए, तो फॉर रिपेयरिंग होना चाहिए था यहाँ पे, कि फॉर रिपेयर REPAI सही लिखा है। अच्छा ग्रामेटिकल एरर पूछा है उसने कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, हाँ तो फॉर रिपेयर में गलती हो जाएगी, तो फॉर रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था, कि फॉर रिपेयरिंग द पाइप्स, उसने उसको पाइप रिपेयर करने के लिए उसको क्या किया था, पे किया था। चलिए नौ नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, गो बॉनकर्स। गो बॉनकर्स का मतलब होता है क्रेजी होता है, पागलपन होता है, ठीक है। क्या होता है? क्रेजी होता है, पागलपन होता है। तो देखिए यहां पे बिकम वेल्थी कोई मतलब नहीं, बिकम इज सेल्फिश नहीं मतलब है, बिकम क्रेजी, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेजी अभी मैंने बताया, पागलपन, बिकम ग्रीडी कंजूस नहीं कोई मतलब नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। अच्छा इल्स इन डिसीव अदर, इसका इम्पोस्टर होता है, बहरूपिया, जैसे वो अपने एक रूप रखता है मतलब दिखावा किसी और चीज का और होता वो किसी कुछ और है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक्टर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक्टर, ठीक है, मतलब वो होते तो कुछ और है लेकिन एक्टिंग करते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से है, तो यहाँ पे इम्पोस्टर इसके लिए बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, लिखा है द टास्क हैज बीन टू जंप जूनियर्स। अच्छा अटैच्ड, द टास्क हैज बीन अटैच्ड टू द जूनियर, नहीं ये तो नहीं बनेगा, हायर्ड टू द जूनियर, हायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये टास्क जो है वो जूनियर के लिए बनाया गया था, तो इलेक्टेड भी नहीं होना चाहिए, असाइंड, अच्छा हाँ असाइंड दिया तो है, असाइंड बिल्कुल सही हो जाएगा, द टास्क हैज बीन असाइंड फॉर द जूनियर, ये टास्क जो है वो जूनियर्स के लिए जो है असाइन कर दिया गया था, उन्हीं के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है। चलिए 12 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड।
चलिए, देयर आर वेरी लिटिल पीपल्स इन दी इन दिस वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डिफी सोशल कस्टम्स. अच्छा, पहली बात तो यहां पे देखो इंसानों की बात की गई है, तो लिटिल कैसे हो सकता है? यहाँ पे लिटिल तो नहीं होना चाहिए था. वेरी लिटिल प्यूपिल्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. अगर प्यूपिल्स हैं तो फ्यू प्यूपिल, सम प्यूपिल, मेनी प्यूपिल्स, लिटिल तो कभी नहीं आता है. तो देयर आर वेरी फ्यू प्यूपिल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डिफे सोशल कस्टम्स. तो यहाँ पे वेरी फ्यू प्यूपिल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा. चलिए 13 नंबर देखिए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. देखो स्टेबल लिखा हुआ है, स्टेबल का मतलब होता है बंधा हुआ, रुका हुआ, ठीक है, बिना हिले, इस तरीके का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है. फिर सेफ मतलब सुरक्षित, स्टीडी, देखिए अब स्टीडी, देखिए स्टीडी का मतलब होता है नियमित गति से, यानी कि लगातार जिसको कह सकते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो लगातार बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो स्टीडी उसके लिए किया जाता है. स्टाउट, जो स्टाउट है इसका मतलब होता है मोटा सा या बड़ा, ठीक है, क्या होता है मोटा सा या बड़ा. और शेकी मतलब क्या होता है, अस्थिर, जो स्थिर नहीं होता. स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, ठीक, और शेकी का मतलब क्या हो जाएगा, अस्थिर. चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर देखिए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. ठीक है, चलिए. तो ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वॉज नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम. अच्छा, जब उसके खिलाफ सबूत ही नहीं है तो उसको पनिशमेंट क्यों मिलेगा? तो यहाँ पे ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से दूर है एज देयर वॉज नॉट इनफ एविडेंस, क्योंकि उस वो उसके लिए इनफ जो पर्याप्त सबूत नहीं है. तो क्या हो जाएगा, गॉट अवे फ्रॉम, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है. तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें कोई भी गलती नहीं है. चलिए 15 नंबर. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न. अच्छा, विच हैज रिपेन इन द फील्ड्स. इसमें ग्रामेटिकल एरर पूछा जा रहा है कि इसमें द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड्स. और देखो क्या क्या दे रखा है, विच हैज रिपेन दे रखा है, इन द फील्ड्स दे रखा है, कटिंग द कॉर्न दे रखा है, द फार्मर इज, अच्छा द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड. दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हैज लिखा हुआ, और हैज के साथ में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे रिपेन कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए था, विच हैज रिपेंड, क्या होगा, विच हैज रिपेंड, आर आई पी ई एन, और क्या होना चाहिए था, आर आई पी ई एन डी, ई डी, रिपेंड, ठीक है. तो विच हैज रिपेंड ये होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. क्यों? क्योंकि पास्ट, ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. चलिए 15 के बाद पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 16. Select the most appropriate options to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute in, select no substitution required. अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए underline दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए थी underline blow off के नीचे. The strong wind blow off all the candles. अच्छा, देखो the strong wind यानी कि बहुत मजबूत जो हवा थी उसने क्या किया था, सभी कैंडल्स को बुझा दिया था. ठीक, तो ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ नहीं होता है दोस्तों, यहां पे ब्लो आउट होता है. क्या होता है, इफ द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो आउट ऑल द कैंडल्स, यानी कि जो फूंकने से क्या हुई थी, जो कैंडल्स थी वो बंद हो गई थी, तो यहां पे ब्लो, ब्लू आउट होना चाहिए था, ब्लू आउट.
सॉरी दोस्तों, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए एंटोनियम बताना है, इफिशियंट। देखो इफिशियंट मतलब होता है कार्य कुशलता, कह सकते हैं कि इफिशियंट है तो मतलब वो अपने कार्य में बहुत कुशल है। क्या है? अपने कार्य में बहुत कुशल है, या तो जैसे आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, अबेल टू वर्क विल विदाउट मेकिंग मिस्टेक और वेस्टिंग टाइम और एनर्जी। ठीक है, टाइम एंड एनर्जी को बिना खत्म किए हुए वो अपने कार्य को करने में समर्थ है। ठीक है, ये इफिशियंट का मतलब हो सकता है कार्य कुशल। ठीक है, कार्य कुशल है वो। और उसके लिए फिर ऑप्शन देखते हैं, देखिए आइडियल लिखा है, आइडियल का मतलब होता है लेजी। ठीक है, ढीला ढाला। ठीक है, आइडियल का मतलब होता है लेजी। एक्सपर्ट मतलब परिपक्व, कॉमन साधारण था, क्लेवर चतुर। तो यहाँ पे जो है इसने एंटोनियम पूछा था, इसका मतलब होता है कार्य कुशल। ठीक, अब कार्य कुशल है तो आइडियल मतलब लेजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके उस हिसाब से तो नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे तो जब उस हिसाब से ऑप्शन नहीं है तो किसी ऑप्शन को तो उनको पिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस लेसन इज देन द प्रीवियस वन। अब देखिए देन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा। ठीक, अच्छा देखते हैं, तो यहां पे जो बनेगा तो क्या बनेगा, तो एक सेम, अच्छा दिस लेसन इज मोर देन, मतलब देन तो यहां पे होना चाहिए था। ठीक है, तो दिस लेसन इज मच इजियर देन द प्रीवियस वन। बिल्कुल सही, पहला वाला ही ऑप्शन आपको यहां पे सही हो जाएगा, कि क्या था जो ये लेसन जो है ये प्रीवियस पिछले वाले लेसन से ज्यादा सरल है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई विजिट माय ग्रैंड, क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट रेगुलरली, फाइनली, कंटिन्यूसली और अनइवनली। तो वो अपने दादी दादा के घर जाता रहता था रेगुलरली, तो रेगुलरली बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। चलिए अब भाई देखिए, जो सिनोनियम लिखा हुआ है डेलिकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आसानी से टूटने वाला होता है। क्या होता है? आसानी से टूटने वाला। तो दोस्तों डेलिकेट मतलब क्या बताया था? आसानी से टूटने वाला। ठीक है, ये लिखा है फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है हर्टी। हर्टी, हर्टी का मतलब होता है स्नेही या मैत्रीपूर्ण। ठीक है, फिर ये लिखा है ब्रिस्क, इसका मतलब होता है फुर्तीला। क्या लिखा है? फुर्तीला। और रोबस्ट लिखा है, रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा या स्वस्थ। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे आसानी से टूटने वाला कौन होगा? जो दुर्बल कमजोर होगा वही तो आसानी से टूट सकता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। अच्छा था, जज इन द सोलमन मैनर डेली डिक्लेयर्ड, खाली जगह देयर वॉज इनफ एविडेंस टू, खाली जगह दैट मैक्स हैड इनडीड, खाली जगह हिज नेबर्स कैट, दिस वॉज अ, खाली जगह क्राइम एंड डिजर्व एन, खाली जगह पनिशमेंट। अच्छा ठीक, देखिए दोस्तों जब भी कभी आपके सामने ये इस तरीके की कहानी आए और उसमें फिल करने को आए, तो आप कुछ ना कीजिए, हमेशा के लिए एक बार पहले इसको पूरा पढ़ डालिए, कई चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। द जज इन अ सोलमन मैनर डिक्लेयर्ड, क्या लिखा फिर, विच दैट सो वॉट। तो देखो यहाँ पे
दैट देयर वॉज इनफ एविडेंस, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दैट देयर वॉज इनफ एविडेंस एविडेंस टू, आगे देखते हैं खाली जगह में क्या आएगा, टू दैट मैक्स हैड इंडीड, अच्छा तो क्या हो जाएगा दैट देयर वॉज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट मैक्स, अच्छा प्रूव दैट मैक्स हैड इंडीड स्टीलिंग स्टोलन स्टील या स्टोल, तो स्टोलन होना चाहिए था क्योंकि आगे सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है, दैट देयर वॉज इनफ क्योंकि पास्ट में है एविडेंस टू प्रूव दैट मैक्स हैड इंडीड स्टोलन हिज नेवर्स कैट, स्टोलन हिज नेवर्स कैट, दिस वॉज अ क्या हो जाएगा सोबर सीरियस स्टडी एंड स्टर्न, अच्छा सो वॉज दिस वॉज अ सीरियस क्राइम एंड डिजर्व, अच्छा हाँ सीरियस क्राइम बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, सीरियस क्राइम एंड डिजर्व एन डिजर्व एन डिजर्व एन क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट पनिशमेंट, बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट चौथे नंबर पे दे रखा है अप्रोप्रिएट पनिशमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, सामान्य जानकारी यानी कि जिसको हम लोग जीएस भी कह सकते हैं। देखिए कल जो हम लोगों का पेपर हुआ था वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का था और उसमें मैंने ये कहा भी था कि एक बार अपने आप को चेक जरूर कीजिएगा कि आप लोग उसमें कितने सही कर पा रहे हैं। देखिए ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने आप को चेक नहीं करोगे तो दोस्तों देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप चेक ही नहीं करोगे तो उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना है आपको। तो दोस्तों देखिए इसलिए ज़रूरी है आपके सामने कि आप क्या करो कि यहाँ पे आपको जानकारी जरूर चाहिए कि सामान्य जानकारी जो है पिछला वाला मॉडरेट था, ठीक है, और ये कैसा है, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे पेपर करते जाएंगे आपको अपने आप के जज करने का मौका मिलता रहेगा, आपको ये भी पता रहेगा कि हम कहाँ पे पहुँच गए। और दोस्तों देखिए जितने भी लोग जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। और जितने भी नए लोग हों भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके सारी नोटिफिकेशन जिससे मिल जाए आपको जितने भी वीडियो आएँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंध नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे। जो सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे, चलिए देखिए, तो बिपाशा, हिंदोस, करनाली या वितस्ता। तो जो 2500 साल पहले ईरानी लोग जो थे, ईरानी और यूनानी लोग, वो जो सिंधु नदी थी इसको हिंदोस नाम से बुलाते थे, किसके हिंदोस नाम से बुलाते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है, अच्छा गीतांजलि, गोरा, निर्मल, चोखरे, चोखर, चोखेर और बाली, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो जो देखिए गीतांजलि आपको भी पता है रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। गोरा, गोरा किसकी थी, अरे देखिए याद ही नहीं आ रही है मुझे इस टाइम पे, ठीक है चलिए अभी याद नहीं आ रही है। बाकी देखिए निर्मला लिखी हुई है, ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, ठीक है। गोरा मुझे अभी याद नहीं आ रही है, डी डी वन पे एक प्रोग्राम आता था उस पे ये आती भी थी और मुझे इस समय इनके जो राइटर हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि क्या है। चलिए दोस्तों अगर किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गोरा जो है ये किस ने लिखी है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। वैसे ये नाटक आता था गोरा तो डी डी वन पे आता था काफ़ी टाइम पहले। चलिए 78 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए आपको भी पता है कि जो भाग दो है जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान हमें दिया गया है। कौन कौन से तरीके की नागरिकता है, 5 नागरिकता है, कौन से जन्म से नागरिकता है, फिर वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता मिल सकती है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता मिल सकती है। तो ये 5 तरीके की नागरिकताएँ जो हैं ये संविधान के भाग दो में दी गई हैं जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। चलिए
बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा भाई देखिए, विमानन, ऑटोमोबाइल, पूंजी बाजार, बैंकिंग। चलिए भाई किससे संबंधित है बेसल थर्ड मानदंड? अच्छा चलिए, विमानन, ऑटोमोबाइल, पूंजी बाजार और बैंकिंग। अच्छा ये बैंकिंग से रिलेटेड है। किससे? बेसल थर्ड जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बैंकिंग पर्यवेक्षण है जो उस पर बेसल समिति जो थी उसी के अनुसार जो बेसल थर्ड है सुधार उपायों का एक समूह है जिसे दुनिया भर में बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन पर्यवेक्षण और साथ ही जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए समिति द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए 80 नंबर देखिए, 80 नंबर में क्या लिखा है, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व थे? अच्छा प्रतिनिधि थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स ने में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? चलिए देखिए, के सी नियोगी, सी डी देशमुख, जॉन मथाई, आर के सन्मुखम सेट्ठी। तो 1944 में जो ब्रेटन वुड्स के जो वैश्विक मौद्रिक सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय वित्त मंत्री जो थे कौन थे? ये सन्मुखम सेट्ठी थे, उस समय के वित्त मंत्री यही थे, ठीक है। ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी थे, ये 1947 से 49 तक रहे भी थे, ठीक है। और इन्होंने जो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्रता बाद प्रथम बजट भी पेश किया था, कौन? सन्मुखम सेट्टी ने। चलिए इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL एक चैंपियनशिप है किसकी? फुटबॉल की, कबड्डी की, खो खो की, क्रिकेट की। तो ये ISL जो है ये किसकी है? फुटबॉल की। जैसे IPL चलता है आपका वैसे ही ये ISL भी चलता है। कबड्डी की भी लीग चालू हो चुकी है, प्रो कबड्डी लीग जिसको बोलते हैं, क्रिकेट में IPL होता ही है और शायद खो खो में भी इसी तरीके का कुछ है, मुझे याद नहीं है। और बाकी इसमें 11 टीमें भाग लेती हैं ISL में। चलिए 82 नंबर देखिए, लिखा हुआ है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर जो है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, शायद डिस्कवरी भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी, मुझे ये कन्फ्यूजन है, शायद जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये देखो ये याद नहीं आ रही है बिल्कुल। और माई ट्रूथ, ये चार दे रखी थी, तो जो माई ट्रूथ दे रखी है ये तो इंदिरा गांधी की है, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दोस्तों देखिए मुझे अभी याद नहीं आ रही है, तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये किसकी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किस के द्वारा लिखी गई थी। चलिए फिर देखिए, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के से भाग नामक एक नामक कर एकत्र करते थे। अच्छा भागा नामक, अच्छा प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के फिर खाली जगह से भागा नामक कर एकत्र करते थे। किससे करते थे? किसानों से, चरवाहों से, शिकारियों और एकत्रकों से या शिल्पकारों से। तो किससे करते थे? ये किसानों से लिया जाता था, जो भागा कर था ये किसानों से लिया जाता, ठीक है। जो शासक लोग थे वो अपने किसानों से ये भागा नामक कर लेते थे, ठीक है। इसमें 1/6 भाग उपज का जो है 1/6 भाग दे दिया जाता था, ठीक है। यानी कि जो कर लेते थे, जैसे आपने 6 क्विंटल गेहूं लिए हैं तो उससे आपको 1 क्विंटल गेहूं देना पड़ जाएगा, ठीक है। ये कर होता था भागा कर। चलिए माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा विकसित किया गया था कब? पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, कपड़े बनाने या सिक्के बनाने में। तो देखो कपड़े तो तब बने ही नहीं थे, तब तो वो नंगे घूमते थे। मिट्टी के बर्तन तब भी वो तो जानवरों को मार के कच्चा खाते थे। सिक्के तब बने नहीं थे, ठीक है। मानव द्वारा विकसित किया गया था, तब पत्थर के औजार ही विकसित किया गया था। ये पत्थर को घिस के, पत्थर को फोड़ के औजार बनाते थे, इसी से जानवरों को मारते थे, तब खाते थे। बाद में फिर आग की खोज की, तब भून के खाने लगे। चलिए निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? अच्छा PV सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार और अश्विन पोनप्पा। तो देखिए पहली बात तो आपको इसमें से सारे नाम नहीं पता होंगे। PV सिंधु पता होगा और अश्विन पोनप्पा पता होगा, हो सकता है पारुल परमार भी पता हो, लेकिन नेहा पंडित नहीं पता होगा। और इन्हीं को जो है अभी तक अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए आपको जो है इनका नाम नहीं पता है। बाकी आपको शायद नाम पता होते या पता होंगे,
ठीक है, चलिए 86 नंबर। नवरात्रि के दसवें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ये कौन से होते हैं? और ये भी याद रखिएगा कि ये हिंदी मास पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये नवरात्रि कब पढ़ते हैं? ये पढ़ते जाके हैं अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर, मिड नवंबर में, ठीक है। तो ये नवरात्रि तब पढ़ते हैं और तभी ये दशहरा, उसकी जो दशमी आती है उसको दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरा कब होता है? अक्टूबर या नवंबर में। और तब क्या होता है? शरद नवरात्रि, ये शरद नवरात्रि होती है। और जैसे अभी 22 तारीख से जो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे ग्रीष्म नवरात्रि हैं। तो ये शरद नवरात्रियों में जो दसवां दिन होता है उसको दशहरा कहा जाता है। चलिए 87 नंबर देखिए, लिखा हुआ है एक नृत्य है जो वाक, वांगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी। तो देखो, जब उसने ये कह दिया है कि वाक और भंगिमा ये शुद्ध नृत्य का संयोजन है, तो ये कुचिपुड़ी होता है। कौन है कुचिपुड़ी? जो है ये कहाँ होता है? ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राजकीय जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है, ठीक। 88 नंबर, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो देखो, आपको सिंपल सी बात यह समझ लीजिए कि जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो बर्बाद हुआ था तो वो था तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में की शिशु मृत्यु दर IMR दर्ज की थी, तो वो कितनी थी? 68, 34, 47 और 55। तो दोस्तों ये जो थी ये 34 थी, ठीक है। 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में 34 शिशु मृत्यु दर IMR ने दर्ज की थी, ठीक है। चलिए 90 नंबर देखिए, 90 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? अच्छा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, लिखा हुआ है घाघरा सहायक नदी है, अच्छा पूछा जा रहा है, नहीं है, अभी मैं अभी नहीं बताने लग जाता। अच्छा, घाघरा, माही, साबरमती, भीमा, कोई हालत में नहीं नहीं बता पाते, क्योंकि तीन जो है यहाँ पे आपको ये गंगा की सहायक नदियां हैं ही नहीं, ठीक है। और घाघरा जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी भी होती है, ठीक है। ये और गंगा नदी की अन्य प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से? यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, बेतवा, केन और भी हैं, ठीक है। और गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? हिमालय के गौमुख नामक स्थान से, जो गंगोत्री हिमनंद जो है वहीं से हुआ है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या जाना जाता है? पद्मा नदी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा उसकी सहायक नदी है। चलिए, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वर उत्पन्न होता है। अच्छा, ज्वार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वर उत्पन्न होता है। अच्छा, असत्य पूछा गया है, तो पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वर उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात कही गई है। निम्न ज्वर को नीप ज्वर कहा जाता है, ये भी सही है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वर आते हैं, हाँ ये भी सही है। बाकी ये चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो ज्वर उत्पन्न होता है, उच्च ज्वर उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं से भी इसके लिए आपके लिए ये सही नहीं है, तो उसने गलत ही हमसे पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे गलत बता देंगे। चलिए 92 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए 56, 26, 51 और 21। देखिए, जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो आपको जहां पे मिलती हैं वहीं पे तो मिलेगा, ठीक है। 6 से 11 और 12 से 35, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 26। तो यानी कि यहाँ पे आपसे 26 जो ऑप्शन दे रखा है ये धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता की संबंधित है। तो जो 92 में जो कहा गया है कि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है,
इसके अनुसार होता क्या है? देखो, इसके अनुसार जो व्यक्ति होता है वो अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद जैसे 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध जो होता है के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। और 56 में क्या है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद धारण तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तभी मैंने आपको ये बताया भी था कि राष्ट्रपति डायरेक्ट ऐसे करके कभी भी हटता नहीं है, उसको 5 साल का होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो अगले राष्ट्रपति के आने तक बना रहता है। चलिए, ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, ब्रायोफाइट, चलिए भाई देखिए ब्रायोफाइट के बारे में क्या है। पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें से एक विशेष ऊतक की उपस्थिति होती है, पाई जाती है। मतलब इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित है। इसमें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। मांस यानी कि फनारिया और मर्चेंटिया ब्रायोफाइट के एक उदाहरण है ना। उसने कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है, तो यहाँ पे पहला कथन ही आपके लिए बिल्कुल सत्य लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट जो पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थ के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उत्पत्ति पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट होता है वो पादप जगत का एक उभयचर भी होता है। ठीक है, उसको उभयचर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पौधे मिट्टी में रह सकते हैं परंतु लैंगिक प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। इसका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है, यानी कि मॉस, फुनेरिया, मर्चेंटिया ब्रायोफाइट के उदाहरण है। अतः विकल्प एक जो है वो आपको ब्रायोफाइट के लिए, यार इसने क्या पूछा है और हम लोग क्या आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये चीज ये बताइए, जब ये मांस, फेनेरिया और मर्चेंटिया इसके उदाहरण हैं तो ये सत्य कैसे हो जाएगा? एक सेकंड रुकिए, मैं इसको चेक कर लेता हूं कि ये एग्जैक्टली पूछा क्या है, इसने सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। दोस्तों यहां पे गलत है, ये असत्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये उसने पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तब पहला वाला यहाँ पे बिल्कुल असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रायोफाइट जो होता है ये गैर संवाहिनी पौधे, उसमें फ्लोएम और जाइलम जो होता है नहीं पाए जाते हैं। तभी मैं सोच रहा था कि यार इसमें कैसे हो सकता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसमें दूसरा, तीसरा और जो चौथा ये दे रखा था ये दोनों सही लग रहे थे, तभी मैं सोच रहा था 1, 3, 4 सही होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ उसने असत्य कथन पूछा था ना कि सत्य कथन। ठीक है, ये जो मिस जो कह सकते हैं कि मिस प्रिंट की वजह से ऐसा हुआ है। चलिए 94 नंबर देखिए, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न नियुक्त प्रशासकों की समिति COA को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? अच्छा भाई, चलिए विक्रम लिमह, विनोद राय, महिमा वर्मा और रामचंद्र गुहा। तो इनमें से जो महिमा वर्मा है दोस्तों ये शामिल नहीं थे उस समय पे इसमें। ठीक है, बाकी जो लोग थे ये बिल्कुल शामिल थे। चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन खत्म करते हैं। चलिए 95 नंबर, लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में वर्गीकरण किया जाता है, पारभासी, पारदर्शी, चमकदार या अपारदर्शी, तो किसमें किया जाता है? तो दोस्तों क्या है, लकड़ी का बल्ला जो है पारदर्शी होता है? नहीं होता है। पारभासी भी लगभग पारदर्शी के तरीके से होता है, चमकदार ऐसा भी जरूरी नहीं होता, वो खुरदरा भी हो सकता है। अपारदर्शी बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी के बल्ले को एक अपारदर्शी वस्तु के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। चलिए 96 नंबर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। अच्छा, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के ऊर्जा का योग है। हाँ, ये बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा होना चाहिए था यहाँ पे। तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, KE बराबर ½ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, PE बराबर क्या होता है, mgh होता है, जहां m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h ऊंचाई होती है। चलिए 97 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को
संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसके कुल भाग थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, वर्तमान में इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वैसे 395 तो नहीं है, अब ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। क्या होती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है। जो हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा होती है वो कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। 99 नंबर देखिए, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सज्जनगढ़ पैलेस, उनमें उम्मेल भवन, हवा महल और लालगढ़ पैलेस। तो जो सवाई राजा थे, जो सवाई प्रताप सिंह थे, इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था जयपुर में। ठीक है, सरल क्वेश्चन था क्योंकि वहाँ पे एक ही ये है ऐसा फेमस। चलिए फिर आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा जंतुगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? समुद्री अर्चिन, कोरल, घोगा और केचुआ। तो निम्नलिखित में कौन सा जंतुगत के निडेरियन संघ का अंतर्गत आता है? निडेरियन लिखा होता है, ये घोंगा और ये कोरल होता है। क्या होता है? कोरल द्वीप भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा कोरल द्वीप पे बना हुआ है। तो निम्नलिखित में कौन सा जंतुगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो ये कोरल होता है। ठीक है, यानी कि जो निडेरियन संघ लिखा है तो ये संघ सेलिनट्रेटा जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। कोरल को मोंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी में जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, ये आदि जंतु जो हैं इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए हम लोगों के पूरे जो है 50 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों देखिए, अगर थोड़ा सा आज वॉइस का अगर सिस्टम कुछ गड़बड़ लगे तो वो थोड़ा सा माइक गड़बड़ कर गया था, इसलिए माइक में की वजह से आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।